हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे, जिसमें 3 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट है, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो 15वीं बैठक हुई थी, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के 6 नए सदस्य इसके अंदर जुड़ने वाले थे। अब ये 6 नए सदस्य कौन कौन से थे? मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और एक था अर्जेंटीना। लेकिन अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो अब ओनली फॉर ब्रिक्स के अंदर ये जो 5 देश है, यही शामिल हो गए। यहीं पे यदि ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स के अंदर अभी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका इसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 के अंदर की गई थी, लेकिन इसकी अवधारणा सन 2001 के अंदर गोल्डमैन साक्स और जिम और नील के द्वारा दी गई। ब्रिक्स की जो मुद्रा है, इसको 5R मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन सन 2009 के अंदर येकेंतबर्ग, जो कि कहां पे स्थित है, रूस के अंदर, यहां पे आयोजित हुआ था। और सन 2010 के अंदर इसमें दक्षिणी अफ्रीका शामिल हो गया। जैसे इसमें दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ, इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। पहले इसको क्या कहा जाता था? ब्रिक कहा जाता था, लेकिन जैसे इसके अंदर दक्षिणी अफ्रीका शामिल हो गया तो इसके आगे एस लग गया और इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, यह ब्रिक्स की ही बैंक है, जिसका मुख्यालय चीन के अंदर स्थित है। और 2023 के अंदर इसकी 15वीं बैठक का आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया और 2024 के अंदर इसकी 16वीं बैठक का आयोजन रूस के अंदर किया जाएगा। वैसे तो क्या होता है इसके अंदर कि ये जो इसका नाम है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी बैठक का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अभी 15वीं बैठक जो है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया था। उसके बाद में 16वीं बैठक का आयोजन ब्राजील के द्वारा किया जाना था। उसके बाद में फिर रूस के द्वारा, फिर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे बैठक का इनका आयोजन होता है। लेकिन ब्राजील ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया। और ब्राजील ने मना करने के बाद में उसके अगला जो भी देश है, जैसे रूस है, रूस इसको अब होस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। यहीं पे यदि CISF की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। नेक्स्ट, यहीं पे आपको ध्यान देना है, CISF की पहली महिला महानिदेशक यह नीना सिंह बनी है। और नीना सिंह यह राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी भी थी। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक अनीस दयाल सिंह बने। ITBP की बात की जाए यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके नए महानिदेशक यह राहुल रसगोत्रा बने। सेबी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष यह है माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। यानी अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। नेक्स्ट, यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रमुख नाम चेंज के बारे में। जैसे कि हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसका नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। काकोरी कांड की बात की जाए तो काकोरी कांड का नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। और यहीं पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ ले कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1925 के अंदर। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, और इसका नाम कर दिया है श्री सिद्धू रुद्दा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, देश का पहला पिंक स्टेशन जहां पे ओनली फॉर महिला कर्मचारी है, यह मना है माटुंगा रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई डिवीजन के अंतर्गत आता है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। और पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो कि है मोढ़ेरा गांव, जो गुजरात के अंदर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर ओंकारेश्वर बांध के ऊपर ये बना है। और देश की पहली सोलर सिटी की बात की जाए तो यह है सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस। यहीं पे यदि वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या था? T18 यानी कि ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना जाता था। और अब इसका नाम कर दिया गया है वंदे भारत ट्रेन।
और वंदे भारत ट्रेन इसका संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट की बात की जाए तो यह थी सुरेखा यादव। और पहली वंदे भारत यह दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। वर्तमान में यदि रेलवे मंत्री की बात की जाए तो यह है अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, जया वर्मा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को। तो गुजरात को बना दिया गया है पेट्रो राजधानी है। यहीं पे बात की जाए गुजरात के अंदर अभी हाल ही में द्वारका के अंदर पहली पर्यटन पनडुब्बी सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहीं पे ध्यान देना है, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर पर तेल रिफाइनरी और भरूच जिले में दहेज में ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचान दी गई है। और गुजरात की बात की जाए इसकी राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र बघेल, राज्यपाल की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। और सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है गुजरात के अंदर। उकाई बांध की बात की जाए तो यह तापी नदी के ऊपर बना हुआ है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम स्टेशन। चलिए यहीं पे हम कुछ इंपोर्टेंट समितियों को कवर करेंगे, जैसे कि स्वामीनाथन समिति जो कि एमएसपी के लिए बनाई गई थी, माधव गोडखिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, एकवर्त आयोग इसके तहत रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, और एक था विवेक देवरोय समिति जिसकी सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया, गोरेवाला समिति इसके तहत एसबीआई की स्थापना की गई, शिवरमन समिति की सहायता से नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है, चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, विजय केलकर समिति यह जीएसटी से संबंधित है, प्रकाश सिंह समिति की बात की जाए तो यह पुलिस सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरी मेट्री मिशन किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएसएलवी C-58 के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए इस मिशन के बारे में यदि बात की जाए तो एक्सपोसेट यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सरे पोलरी मेट्री सेटेलाइट है, और यह देश का पहला पोलरी मेट्री मिशन है। अमेरिका के नासा के अलावा भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने पोलरी मेट्री मिशन को लॉन्च किया गया। इसरो ने साल 2024 के पहले दिन ही देश का पहला पोलरी मीटर सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है, और एक्सरे पोलरी मीटर सैटेलाइट यह श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, और इसको पीएसएलवी C-58 रॉकेट के द्वारा निचली कक्षा में भेजा जाएगा, और इस सैटेलाइट की मदद से ब्लैक होल के राज जानने में मदद मिलेगी, और इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर इसके द्वारा स्टडी करेगा। यहीं पे यदि बात की जाए इसरो की तो इसरो की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और वर्तमान में अध्यक्ष है इसके एस ए सोमनाथ। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो यह थे राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के अंदर गए थे। पहला भारतीय उपग्रह की बात की जाए तो यह था आर्यभट्ट, जिसको सोवियत संघ रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट, इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, मंगलयान को 5 नवम्बर 2013 को, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, आदित्य L1 मिशन जो कि सूर्य की स्टडी के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, और भारत का पहला संचार उपग्रह यह कौन सा है, एप्पल उपग्रह। मिसाइल मैन की बात की जाए तो यह थे APJ अब्दुल कलाम, और एक ध्यान रखना है रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है तो रॉकेट मैन के नाम से के सिवान को जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल Study 147 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।